नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य सृजन में। आज की कथा का आधार है विभांडक का पुत्र हरण। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश में विभांडक नाम के एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। उनका शरीर कामदेव के जैसा बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। नवयौवन की शुरुआत में विभांडक के सुंदर शरीर को देखकर मनुष्य तो दूर, पशु और पक्षी भी उस पर मोहित होते थे। लेकिन विभांडक को इन सब बातों का ध्यान भी नहीं था। अपने अध्याय, तपस्या और ब्रह्म चिंतन में वो दिन रात लीन रहते थे। दुखमय संसार की पीड़ाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की उतावली उनके मन में हमेशा ही रहती थी, जिसके कारण वो अपने शरीर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे। एक बार विभांडक ने एकांत तपोवन के एक गहरे जल कुंड में जाकर घोर तपस्या की। कई महीनों तक ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही आराम किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी तेजस्विता और सुंदरता वैसी की वैसी बनी रही। विभांडक की इस कठोर तपस्या की चर्चा स्वर्गलोक तक भी पहुँच गई। एक बार उनके तपोवन के पास अप्सराओं का समूह जल क्रीड़ा में मग्न था। उन्हीं अप्सराओं में से एक उर्वशी भी थी। जैसे ही उर्वशी ने विभांडक ऋषि को देखा, उर्वशी विभांडक ऋषि पर मोहित हो गई और विभांडक भी उर्वशी के देवी स्वरूप पर अपने आप को भूल गए। विभांडक और उर्वशी के द्वारा उनका एक पुत्र हुआ, जो कि विभांडक के समान ही परम तेजस्वी और सुंदर था। लेकिन पुत्र होने के कुछ दिन बाद ही उर्वशी को विभांडक के तपोवन से चले जाना पड़ा, क्योंकि देवराज इंद्र की सभा में उनकी उपस्थिति जरूरी थी। विभांडक ने अपने प्यारे पुत्र का लालन पालन हिरणियों के दूध से किया। अब विभांडक अपना सारा समय तप और स्वाध्याय के बाद उसी के लालन पालन में लगाने लगे। नगर से दूर तपोवन में उस परम तेजस्वी बालक ने हिरणियों के बच्चे के साथ खेलना कूदना सीखा। उन्हीं के साथ वो दिन भर रहता और रात को सोता। उसने अपने पिता को छोड़कर और कोई दूसरा मनुष्य अभी तक नहीं देखा था। जब वो कुछ बड़ा हुआ और हिरणियों के बच्चों की तरह उसके सिर पर सींग नहीं निकले, तो उसने अपने सिर पर उन्हीं के समान सींग लगा लिए, क्योंकि वो उसे अच्छे लगते थे। इसी वजह से उनका नाम ऋष्य रिंग पड़ा, जिसका अर्थ है सींगों वाला ऋषि। कुछ और बड़े होने पर श्रृंगी ऋषि का भी जीवन अपने पिता के जैसे हमेशा स्वाध्याय, तपस्या और ब्रह्मचर्य में लगा रहा। वन में रहने वाले हिरणिया और उनके बच्चों के साथ वो बाहरी संसार से एकदम अलग रहकर जप, तप और स्वाध्याय के द्वारा अपना जीवन बड़े आनंद से और प्रेम से बिता रहे थे। महर्षि विभांडक का तपोवन अंग देश की सीमा पर था, जहाँ के राजा लोमपाद अवध नरेश दशरथ के अनन्य मित्र और परम तेजस्वी शासक थे। राजा लोमपाद को निसंतान देखकर राजा दशरथ ने अपनी कन्या शांता को उन्हें ही दे दिया, जो कि विद्युत के ही जैसे यानी बिजली के ही जैसे चंचल थी और सुंदर थी। राजा लोमपाद का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। एक बार किसी वजह से उनका अपने पुरोहित के साथ बहुत बड़ा विवाद हो गया। राजा ने तो भरे दरबार में पुरोहित का बहुत ज़्यादा अपमान किया, जिससे उसके राज्य के सभी ब्राह्मण राजा के विरोधी बन गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद देश में भयंकर अकाल पड़ा। कई महीने बीत गए, अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा और सारी की सारी कृषि नष्ट हो गई। पेड़, लताएं, नदियां और तालाब सबके सब सूख गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा में जब अशांति और पीड़ा बहुत बढ़ने लगी, तो राजा ने अपने मंत्रियों से इस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। मंत्रियों ने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने वाले कुछ ब्राह्मणों की सभा बुलाकर राज्य के बाहर से ही राजा की भेंट कराई। प्रजा में बढ़ती हुई अशांति और अपनी प्रतिष्ठा से राजा लोमपाद को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि कई महीनों से पुरोहित के अपमान की वजह से उनके यहाँ ना तो कोई ब्राह्मण जाता था और ना ही यज्ञ होता था।
राजा ने उन विद्वान ब्राह्मणों का बहुत ही स्वागत और सत्कार किया और उनसे अपने राज्य में बढ़ी हुई विपदा को दूर करने का उपाय भी पूछा। ब्राह्मणों ने राजा से अपने पुरोहित को मनाने के साथ ये भी उपाय बताया कि जब महर्षि विभांडक के बेटे ऋषि श्रृंगी आपकी राजधानी में आएंगे तभी बारिश होगी। इन दोनों उपाय के बिना आपके राज्य में वर्षा का कोई भी योग नहीं है। राजा लोमपाद ने अपने मंत्रियों के साथ जाकर अपने पुरोहित के घर उनसे क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया और उन्हें बहुत सारी दक्षिणा देकर प्रसन्न भी किया, जिससे अंग प्रदेश की दुखी जनता में खुशियों की लहर उमड़ पड़ी और सब ने एक जैसी आवाज़ में ही राजा का जय जयकार किया। अब श्रृंगी ऋषि को राजधानी में लाने के लिए सब उपाय सोचने लगे। राजा को याद आया कि हालांकि विभांडक का बेटा ऋषि श्रृंगी अभी अपनी किशोरावस्था तो पार कर चुका है, लेकिन उसने अपने पिता को छोड़ किसी और मनुष्य को देखा तक नहीं है। वो रात दिन जप तप और स्वाध्याय में लगा रहता है और महर्षि विभांडक रात दिन उनकी रक्षा करते रहते हैं। पिता पुत्र दोनों ऐसे तेजस्वी, वितराग और तपस्वी हैं कि बाहरी दुनिया से संपर्क रखने की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जैसे जिंदगी भर उसी तपोवन में रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। राजा लोमपाद के मंत्री नीति शास्त्र बहुत ही अच्छे से जानते थे। उन्होंने रूप और गुण में अनोखी, दूसरों को मोह लेने की कला रखने वाली अपने राज्य की प्रमुख वैश्याओं को बुलवाया और उन्हें राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि अब तो यही इस कठिन कार्य को पूरा करेंगी। वैश्याएं संसार के सबसे तेजस्वी और सुंदर विभांडक और उनके बेटे के तप और तेज से परिचित थी। इस भयंकर काम के बारे में सुनते ही उनका चेहरा तो मानो पीला पड़ गया। शाप के डर से वो मूर्छित सी हो गई, लेकिन राजा ने उन्हें बहुत लालच और आश्वासन दिया। एक बूढ़ी वैश्या के विश्वास दिलाने पर सभी वैश्याएं तैयार हो गई और उसकी इच्छा के हिसाब से राज्य की ओर से यात्रा की सारी सुविधाएं दी गई। उस वृद्ध वैश्या ने विभांडक के आश्रम के पास जाकर एक बहुत बड़ी नाव पर तपस्वियों के जैसे ही सुंदर आश्रम की रचना की। अलग अलग तरीके के सुंदर फूल, फल और नकली पेड़ों से उसे सजा दिया। सुंदर सुरीले पक्षियों के चहचहाने से वो छोटा सा आश्रम ऐसा बन गया था जैसा तीनों लोकों में भी दुर्लभ था। अब वो अपने आश्रम से ऋषि के आश्रम और उनकी दिनचर्या पर नज़र रखती थी। सारी दिनचर्या अच्छे से समझ लेने के बाद उसने अपनी बेटी को श्रृंगी ऋषि के पास भेज दिया। उस समय श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक आश्रम में नहीं थे। श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचते ही वो अपनी मीठी वाणी और अच्छे व्यवहार से श्रृंगी ऋषि के सामने अपना माया जाल बिछाने लगी। उसने श्रृंगी ऋषि को कई तरीके के स्वादिष्ट फल और मिष्ठान दिए और पेय पदार्थ में कुछ ऐसा मिलाकर पिला दिया जिससे कि ऋषि श्रृंगी आश्रम और अपने पिता के बारे में भी भूल गए। वैश्या पुत्री ने उन्हें बताया कि वो उनके ही पास एक आश्रम में रहती है जहां इतने स्वादिष्ट फल पदार्थ और पेय मिलते हैं, और अगर श्रृंगी ऋषि उनके आश्रम में साथ चलें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। श्रृंगी ऋषि उसकी बातों में आ गए और उससे मित्रता कर बैठे। उन्हें तो संसार का कोई अनुभव ही नहीं था। बेचारे ये न समझ पाए कि ये वेशधारी स्त्री है या पुरुष। जैसे ही विभांडक के आने का समय आया तब वो सुंदरी वेश्या अग्निहोत्र का बहाना लेकर आश्रम से चली गई। वेशधारी वेश्या के वहाँ से जाते ही ऋषि श्रृंगी चक्कर खा के गिर पड़े। विभांडक ने जब अपने बेटे को पुकारा तो उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिला। थोड़ी ही दूर आगे बढ़कर देखा तो वो क्या देखते हैं कि श्रृंगी ऋषि तो पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं, ऊपर की ओर आंखें हैं और ढेर सारे पसीने से लथपथ हैं। अपने पुत्र को इस दशा में देखकर विभांडक बहुत चिंता में आ गए और उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। ऋषि श्रृंगी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे तो विभांडक ने अपने कमंडल से शीतल जल निकाला और सचेत करने के लिए अपने बेटे श्रृंगी पर छिड़का।
जैसे ही श्रृंगी ऋषि सचेत हुए तो उन्होंने बताया, पिताजी आज यहाँ एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वो ना तो बहुत छोटा था ना ही बहुत बड़ा। उसके शरीर की कांति सोने के जैसे थी। उसके आँखों में एक काली रेखा थी और जटाएं बहुत ही कृष्णावर्णा मानो काली पर बहुत लंबी थी। उसमें से खुशबू आ रही थी और जटाधारी ब्राह्मण बिजली के जैसे चमकता सा दिखता था। उसने मुझे ढेर सारे ताजे ताजे फल खिलाए, मीठे मीठे व्यंजन खिलाए। पिताजी मैं उस मनोहर ब्रह्मचारी के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना अब मेरे को एक क्षण भी चैन नहीं आता। महर्षि विभांडक संसार का सुख भोग चुके थे। उन्होंने तुरंत जान लिया कि जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरे सुंदर और युवक पुत्र पर कोई आँख गड़ाए रहता है यहाँ पे। सारी बात समझने के बाद उन्होंने अपने बेटे को ये समझा बुझा कर डरा दिया कि उस ब्रह्मचारी के साथ जाना उनका ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई मायावी राक्षस था और भीतर भीतर बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना होकर आश्रम की रखवाली करने लगे, क्योंकि उनके लिए तो उनका पुत्र ही उनकी पूरी दुनिया था। उधर दूसरी ओर वृद्धा वेश्या अपने गुप्तचरों के साथ विभांडक की दिनचर्या को बराबर देखती सुनती रहती थी। जब कई दिन हो गए और विभांडक को अपने आश्रम में किसी भी तरीके की बाधाएं नहीं दिखाई पड़ी तो वो दोबारा अपने पहले जैसे दिनचर्या पर आ गए। सही मौका देखकर अब उस सुंदरी वेश्या ने इस बार और भी मोहक रूप धारण किया, पर ऋषि श्रृंगी को अकेला देख उसने अपना मायाजाल फैला दिया। धीरे धीरे ऋषि श्रृंगी को अपनी मायाजाल में फंसाकर वो अपने आश्रम की ओर ले आई। फिर तो विभांडक के उस तेजस्वी पुत्र को अपने नकली आश्रम में पाकर उस वृद्ध वेश्या ने तुरंत अपनी नाव खोल दी और अंगराज की राजधानी चंपा नगरी के पास पहुंचकर श्रृंगी ऋषि को नाव से उतार दिया गया। कुछ दिनों के लिए श्रृंगी ऋषि को किसी सुंदर सी जगह में अज्ञातवास के तौर पर रखा गया और फिर उसी वृद्धा वेश्या और उसकी बेटी के निर्देश पर उस जगह से राजमहल तक विभांडक के आश्रम से बिल्कुल मिलता जुलता एक आश्रम तैयार करा दिया गया। उसी नकली आश्रम में कुछ दिनों तक श्रृंगी ऋषि को निवास कराने के बाद वेश्या विभांडक ऋषि का ही वेश धारण करके श्रृंगी ऋषि को रनिवास में ले गई। और उसी समय राजा लोमपाद के राज्य में वर्षा होने लगी। फिर तो ऋषि श्रृंग के साथ राजा लोमपाद ने अपनी सुंदर दत्तक बेटी शांता का विवाह भी कर दिया। यहीं दूसरी ओर अपने प्राणों से भी प्यारे एक लौते बेटे के वियोग में महर्षि विभांडक जब पता लगाते हैं कि उनका बेटा चंपा नगरी में है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पहुँचने की खबर मिलते ही राजा उनकी प्रसन्नता के लिए विविध उपाय करते हैं और मार्ग में ही चंपा की सारी प्रजा उनके चरणों पर लेट जाती है और खुद को ऋषि श्रृंग की प्रजा घोषित करने लगती है। राजधानी में अपना इस प्रकार स्वागत देख और अपने बेटे का सौभाग्य और ऐश्वर्य को देखकर विभांडक का सारा क्रोध शांत हो गया। वो गदगद हो उठे और राजा लोमपाद और उनकी प्रजा के संतोष के लिए दो चार दिन वहाँ ठहरने के बाद वो अपने आश्रम की ओर वापस लौट आए।